अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप केक का केक बना रही हूँ। ये मैंने चॉकलेट चिप लिए हुए हैं, तो ये मैंने दो अंडे लिए हुए हैं। एक कप आप ऑयल ले ले, बटर ले ले, घी ले ले, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बेकिंग सोडा मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिए है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून और ब्राउन शुगर मैंने तकरीबन ये 2.5 लिए है। मैदा मैं इसका 2 लेती हूँ। ये इस कप के हिसाब से आपने लेना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें 2 अंडे लेंगे और साथ ही मैं वनीला एसेंस डालूंगी और ऑयल डालूंगी इसमें, क्योंकि मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बटर से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बेकिंग पाउडर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं ये ब्राउन शुगर डालूंगी। अब इसमें मैं मैदा डालूंगी। मैं इसमें 2 कप मैदा डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं चॉकलेट चिप डालूंगी। आप लोग जितना भी डाल सकते हो डाल दे, कम ज्यादा वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे बच्चों को ज्यादा पसंद है तो मैंने ज्यादा लिया हुआ है। इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी, क्योंकि ये स्पून की मदद से अच्छा सा मिक्स नहीं होता, इसको हाथ की मदद से करेंगे। ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने कोई भी आप ले ले बर्तन केक वाला, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैदा डाल दो। तो अभी मैं इसको हाथ के ज़रिए से, स्पून के ज़रिए से, मैं हाथ के ज़रिए से कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा इसका लेवल सही हो जाए। क्योंकि इस तरह करना है आपने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब इसके ऊपर आप लोग कोई भी चॉकलेट डाल सकती हो, नोटेला डाल दे, कोई भी ब्रांड के आप चॉकलेट इसके दरमियान में डाल दे इस तरह। चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर डालेंगे। ये इसके ऊपर हम दूसरा लेयर डालेंगे इस तरह। इसको अच्छे से कवर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। इसको मैंने अभी कवर कर लिया। मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप लोग देखचे में कोई स्टैंड रख ले या कोई प्याला रख ले और उसके ऊपर ये रख ले, उसमें भी ये इजीली 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो चले मैं इसको बैक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जी, मुझसे ये डिलीट हो गई थी वीडियो की एंड, तो इस तरह का क्लिप्स मैं बता रही हूँ। तो बस ये इसी तरह का रेडी हो गए और हम लोगों ने स्पून के ज़रिए खा लिए। थैंक यू।